नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेस में। आज मैं अशोक कुमार हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज में पंडित लक्ष्मीचंद से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इन पे हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपसे पंडित लक्ष्मीचंद के जन्म के बारे में अगर पूछा जाता है तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जो हुआ था ये जाटीकला गांव में हुआ था, और जाटीकला गांव जो है ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कब हुआ था? अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, यानी पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जो हुआ था ये 1903 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु कब हुई थी? पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनका जो देहांत हुआ था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित लक्ष्मीचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को किस उपनाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, सूर्य कवि की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु जी का नाम क्या है? अगर इनके गुरु जी की अगर बात की जाए तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का जो नाम था श्रीमान सिंह, इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनते हैं, हरियाणा के किस सांगे पर शोध कार्य किया गया है, यानी रिसर्च का जो काम किया गया है तो ये कौन से सांगे पर किया गया है? ये क्वेश्चन पे आपका एग्जाम में बन सकते हैं। तो पंडित लक्ष्मीचंद जो है इन पर रिसर्च का कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका बनता है, हरियाणा के लोक थिएटर के नाम से किसे जाना जाता है? अगर हम बात करते हैं लोक थिएटर की तो लोक थिएटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ भी आपका आंसर रहेगा पंडित लक्ष्मीचंद को लोक थिएटर के नाम से जाना जाता है, हरियाणा का लोक थिएटर के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका, हरियाणा में लक्ष्मीचंद को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के अंदर लक्ष्मीचंद को किस नाम से जाना जाता है? पीछे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था हरियाणा में इनको किस उपनाम से जाना जाता है, सूर्य कवि तो इनका उपनाम था जैसा कि आपने पीछे देखा था। तो यहाँ पे हरियाणा में किस नाम से फेमस हुए हैं, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में इनको दादा लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, किस व्यक्ति ने पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों उपनिषेदों व पुराणों की शिक्षा दी थी, यानी वेद पुराण और उपनिषद की जो शिक्षा है ये किस व्यक्ति ने इनको दी थी? अगर ये क्वेश्चन आपका बनता है तो इनका नाम है टीकाराम, टीकाराम शास्त्री ने इनको वेदों उपनिषदों और पुराणों की शिक्षा दी थी। टीकाराम शास्त्री के बारे में अगर बात की जाए, इनका गांव टिटोली है, टिटोली गांव रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो यूनिवर्सिटी की बात की है, पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी, ये अटेरना गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की थी? अगर सांगों की बात की जाए तो पंडित लक्ष्मीचंद ने 25 सांगों यानी 25 सांग की रचना की थी। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपके यहाँ पे, अगर किस सांग के बारे में पूछा जाए, यानी पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं, इसमें से कुछ सांग मैं आपको बता देता हूँ जो काफी पॉपुलर हुए। राजा भोज, गोपीचंद, भर्तहरी, द्रौपदी चीरहरण, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, नल दमयंती। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट सांग हैं जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से पूरा पूरा चांस बनता है कि आपका एग्जाम से क्वेश्चंस बने, इसलिए आज हमने पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में बातें की। अगर दोस्तों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।